ओके सो हे गाइस व्हाट्स अप वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज के इस नए वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप की न्यू फोटो एडिटिंग। सो गाइस इस फोटो एडिटिंग में गाइस मैं कुछ बैकग्राउंड पेजेस का यूज करूंगा जिन सभी का लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग इजीली वीडियो देखने के बाद जगह डाउनलोड कर सकते हो। एंड गाइस अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज आप वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लो। एंड गाइस मैं आप सभी से एक ही चीज कहना चाहूंगा गाइस, आप लोग जो वीडियो कंप्लीट देखना गाइस तभी जो आप सभी को वीडियो पसंद और मेरा समझ आएगी कि आपको एडिटिंग कैसे करनी है। तो बाकी गाइस चलिए आज किसने वीडियो को बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस आप सभी को सबसे पहले करना गाइस आप लोगों को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड करना है, इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को मिल ही जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको डाउनलोड कर लेना। फिर उसके बाद गाइस आपको ये करना, आपको जाना गाइस यहाँ से ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहाँ से जो आप सभी को अपने मॉडल को ऐड करना है, ठीक है। जो भी मतलब कि गाइस मॉडल का जो बैकग्राउंड वगैरह वो मैंने पहले से रिलीज कर रखा है, ताकि जो वीडियो में मैं दिखा के यार आपका टाइम वेस्ट ना करूँ एंड जो कि मैं आपको फटाफट सिखा दूँ, ठीक है। तो एंड आज ज़्यादातर लोगों को बैकग्राउंड रिलीज करना आता ही आजकल, तो है ना। तो जिनको नहीं आता डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, तो वीडियो को देख लेना। आप बाकी बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस देखिए जब आप यहाँ पर अपने मॉडल को ऐड करोगे तो गाइस यहाँ पर जो आपको अपने मॉडल को जो है यहाँ पर जो इस पत्थर के ऊपर आपको वहाँ पर खड़ा नहीं करना है, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आपको जो है गाइस मॉडल का जो एक पैर है पत्थर के पीछे होना चाहिए और एक पैर जो है आपके पत्थर के ऊपर होना चाहिए। जैसे गाइस मेरे से टूल में जाकर जो है मैं यहाँ पे रिमूव करके आपको दिखाता हूँ। तो जैसे गाइस देखिए मैंने यहाँ पे इतना रिमूव किया, मतलब ये पत्थर के पीछे चला गया पैर, ठीक है। एंड इसके बाद गाइस हमें जो है एक पैर दिखाना पत्थर के ऊपर, तो उसको दिखाने के लिए करेंगे हम यहाँ से जो कुछ पार्ट जो आगे का इतना इतना इरेज करेंगे इस तरीके से, ठीक है। एंड जो ऊपर की तरफ है इसको हम रखेंगे ताकि जो मतलब लगे कि हाँ ये ऊपर की तरफ ही है, मतलब कि पत्थर के ऊपर खड़ा हमारा मॉडल, ठीक है। तो बाकी जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको मैं इरेज कर लेता हूँ यहाँ पे, जो कि इरेज करते वक्त रह गया था मुझसे थोड़ा। ओके गाइस सो इतना काम हो जाने के बाद आपको फिर क्या करना है, आपको यहाँ पे ओपेसिटी फुल करके एंड जो अपनी फोटो यहाँ पे सिंपली आपको डन कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे शेडो वगैरह बनाने की जरूरत है नहीं यार, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक पीएनजी दूंगा, तो आपको उसको मतलब दिखा लगा लेना। तो अभी गाइस यहाँ पे आपको अपने मॉडल का डुप्लीकेट करना है, एंड डुप्लीकेट करने के बाद जो है आपको यहाँ पे अपने मॉडल को लेकर जाना है इफेक्ट वाले ऑप्शन में, ठीक है। इफेक्ट वाले ऑप्शन में ले जाने के बाद गाइस यहाँ पे आपको जो एक ऑप्शन मिलेगा जो कि है गाइस कलर्स, ठीक है। कलर्स वाला जो ऑप्शन है आपको सिंपली इसके ऊपर चले जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कलर्स में चलते हैं, यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट वाले को सिलेक्ट कर लेते हैं फिल्टर को, एंड यहाँ पे इसका अमाउंट हम जीरो करके ऊपर से मर्ज कर देंगे। फिर हम यहाँ पे नेगेटिव वाला फिल्टर लेंगे एंड इसको भी मर्ज कर देंगे। फिर हम कलराइज में जाएंगे, यहाँ से जाने के बाद हम जो यहाँ पे येलो कलर, ठीक है, येलो कलर हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे मिल जाएगा गाइस, ठीक है, अराउंड आपको यहाँ पे 62 पे। एंड इसके बाद आपको डन करना है। फिर उसके बाद गाइस आपको जाना है इरेजर टूल में, आपको यहाँ पे इन्वर्ट करना है, एंड जो गाइस आपने पहले रेस किया होगा गाइस वो चीज़ आ जाएगी यहाँ पे, तो उसको आपको रेस कर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको ये करना, आपको यहाँ पे साइज जो है मतलब कि साइज़ है जो इसका ब्रश का इसको बढ़ा देना है। एंड उसके बाद आपको ये करना, आपको यहाँ पे ऐसे पेंट करना है, ठीक है। और सॉरी गाइस मैं यहाँ पे जो है ब्रश सेलेक्ट नहीं किया है, तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, साइज बढ़ा लेते हैं। एंड उसके बाद गाइस आपको साइड में कुछ इस तरीके से आपको एक रिमलाइट क्रिएट करनी है, ठीक है। रिमलाइट क्रिएट करनी है मतलब इसका चेंजेस क्या है मतलब वही बताता हूँ। मतलब गाइस जो बैकग्राउंड में जो आपको दिख रहा होगा स्मोक वगैरह एंड जो मतलब कि लाइट वगैरह आ रही है, वो गाइस इसका रिफ्लेक्शन जो हमारी बॉडी के ऊपर पड़ रही है उसको रियलिस्टिक दिखाने के लिए हम गाइस ये कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम इसको यहाँ पे डन करते हैं। अब गाइस देखिए यहाँ पे आपको ये करना, आपको यहाँ पे जो इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करके यहाँ पे आपको स्क्रीन करना है। एंड अगर गाइस इसकी ओपेसिटी अगर आपको कम लगे तो आपको सिंपली डुप्लीकेट करना है, इसको गाइस वापस से उसी जगह पे ऐसे सेम लगा देना है, ठीक है। तो अभी गाइस इतना परफेक्ट है। अब यहाँ पे गाइस इतना हो जाने के बाद आपको अपनी फोटो यहाँ पे सिंपली डन कर देना है। एंड इतना हो जाने के बाद आपको क्या करना, आपको गाइस अगेन जाना है ऐड फोटो में, एंड ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहाँ से ऐड करना आपको एक विगनेट का पीएनजी, ठीक है। तो उसको हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। सो हमने यहाँ पे इसको ऐड कर लिया है। अब ऐड करने के बाद आपको फिर क्या करना है गाइस, आपको यहाँ पे अपनी फोटो को जो है मतलब कुछ स्टेप्स से फुल स्क्रीन करना है, एंड फुल स्क्रीन करके आपको कुछ स्टेप्स रख देना है। एंड यहाँ पे गाइस इतना हो जाने के बाद आपको अपनी फोटो कर देना है डन। फिर गाइस इतना हो जाने के बाद आपको अपनी यहाँ पे फोटो को सेव कर लेना है, एंड इसको लेकर चलना है लाइट रूम ऐप में, क्योंकि असली काम जो हमारे यहाँ फोटो का वो होता है लाइट रूम में रीटच, ठीक है। तो वाला पार्ट जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करना, वो आपको देखना है। तो यहाँ पे गाइस हमने जो लाइट रूम ऐप को ओपन कर लिया, एंड हमने फोटो की पहले से ऐड कर रखी थी, तो हम डायरेक्ट जाएंगे इस लाइट वाला ऑप्शन में, एंड जिसका कॉन्ट्रास्ट हम इसको यहाँ पे कम करेंगे, एंड जो हाईलाइट है इसको बढ़ा देंगे, एंड जो शेडो है हम इसको यहाँ पे हल्का सा माइनस की तरफ रखेंगे, एंड जो व्हाइट है इसको इंक्रीज कर देंगे, एंड जो ब्लैक इसको भी यहाँ पे इंक्रीज कर देंगे, एंड जाएंगे यहाँ से कलर्स में। कलर्स में जाने के बाद हम यहाँ पे वाइब्रेशन बढ़ाएंगे, फोटो में जो टेम्परेचर इसको कम कर देंगे। फिर इसके बाद जाएंगे कलर मिक्स में, ऑरेंज कलर यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे, सैचुरेशन हम इसका माइनस कर देंगे, एंड जो लूमिनस है हम इसका बढ़ा देंगे। फिर उसके बाद गाइस यहाँ से हम जाएंगे येलो कलर में, हम इसका ह्यू जो है माइनस कर देंगे, एंड जो सैचुरेशन है इसको हम बढ़ा देंगे। फिर उसके बाद गाइस क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे हम यहाँ पे ब्लू कलर में, हम इसका जो ह्यू है बढ़ा देंगे, सैचुरेशन भी बढ़ा देंगे।
ठीक है। इतना हो जाने के बाद हम फोटो को डन करेंगे एंड उसके बाद गाइस यहाँ से चलेंगे हम नीचे वाले टूल में। नीचे वाले टूल में जाने के बाद आपको फोटो की क्लियरिटी इंक्रीज करनी है, फोटो में जो विग्नेट वगैरह वो डाल देना अपनी फोटो के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे मिलेगा आपको गेन अमाउंट, आपको उसको बढ़ा देना है एंड जाना आपको नीचे वाले टूल में। फिर यहाँ पे गाइस फोटो की शार्पनेस इंक्रीज कर देनी है, फोटो में जो नोड रिडक्शन आपको उसको बढ़ा देना है एंड इसके नीचे मिलेगा आपको कलर रिडक्शन, आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली आप देख सकते हैं हमारी फोटो जहाँ पे कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो गाइस आशा करता हूं आप सभी की वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो और वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चैनल मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।